अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं जी काले चने का पुलाव। काले चने जितने खाने में मज़ेदार होते हैं, इससे ज़्यादा इनके चावल बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो आज हम काले चने से पुलाव बनाएंगे। काले चने के फ़वाद अगर मैं गिनवाने लगूँ तो शायद काफ़ी टाइम गुजर जाए, लेकिन काले चने के फ़वाद ख़त्म नहीं होंगे। इसको आप भुने हुए फार्म में खाएं, इसका सालन बनाएं, या इससे पुलाव बनाएं, या बिरयानी बनाएं, काले चने से तकरीबन सब चीज़ें ही बहुत मज़ेदार बनती हैं। और ये ताकत का बहुत बड़ा ख़जाना है। अगर आपको आम जिस्मानी कमज़ोरी हो तो काले चने का शोरबा पीने से बहुत ज़्यादा अफाका होता है, आपका HB लेवल बढ़ता है और आपकी अमूमी कमज़ोरी जो है वो दूर होती है। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा रहता हो तब भी आप काले चने का शोरबा पिएं या काले चने का सालन बना के खाएं तो बहुत ही मुफीद साबित होता है। और जो आम सर्दी से फ्लू ज़ुकाम वगैरह होता है उससे बहुत बचाव होता है। तो आज हम काले चने से पुलाव बनाएंगे और बहुत ही आसान और सादा अंदाज में बनाएंगे। झटपट ये आधे पौने घंटे का काम है, इससे भी कम में बन के तैयार हो जाएगा। तो अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी वाला काम कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन पे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहें और आप कोई भी न्यू अपडेट मिस ना कर सकें। तो अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और शुरू करते हैं। पुलाव के लिए मैंने ये तकरीबन 1 किलो बासमती चावल लिए हैं और ये बहुत अच्छी नस्ल के आला क्वालिटी के चावल हैं। ये तकरीबन 1 किलो मैंने ले लिए हैं। इनको हम साफ़ करके इनको तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले हम भगो के रखेंगे। काले चने तकरीबन 1/2 kg मैंने सादा नमक डाल के इनको उबाल लिया है। इनको आपने रात भर भगो के रखना है, तकरीबन 8-10 घंटे ये ज़रूर भीगे रहने चाहिए। उसके बाद आपने इनको कुकर में उबाल लेना है और 1/2 teaspoon मैंने इसमें नमक ऐड किया है ताकि हमारे चने अच्छी तरह से उनके अंदर नमक चला जाए। चावल हमने धो लिए हैं अच्छी तरह, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी आने तक आपने इनको धोना है। इनका जो ऊपर पिचसी होती है वो अच्छी तरह से धुल जानी चाहिए और इनको कम अज़ कम 15-20 मिनट पहले हमने भगो के रखना है ताकि ये अच्छे खिले खिले और अच्छे खूबसूरत लगे पके हुए। अब हम चावल के लिए मसाला तैयार करते हैं। मसाला बनाने के लिए हम 2 से 2.5 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल के ऐड करेंगे। खुले मुंह का आपने बर्तन लेना है। चावल पकाने के लिए हमेशा कढ़ाई या खुले मुंह का तसला इस्तेमाल कीजिए ताकि चावल जो है अच्छी तरह से खिले हुए पके और जितने आप चावल पका रहे हो उससे डबल ट्रिपल साइज़ का आपने बर्तन लेना है ताकि चावलों को फूलने के बाद बर्तन में काफ़ी जगह मिले और वो आपस में चिपक ना पाएँ। तो मसाले के लिए हमने 2 से 2.5 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करना है और अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। चावलों में पिसे हुए मसालों के बजाय खड़े मसाले अगर ऐड किए जाएं तो उनकी खुशबू और उनका जायका मज़ा बहुत अच्छी तरह निखर के सामने आता है। तो कुकिंग ऑयल डालने के बाद हम इसमें तकरीबन 1 चम्मच साबुत ज़ीरा डालेंगे। इसको हम हल्का सा भून लेंगे। मसाले भूनते हुए हमने फ्लेम बिल्कुल हल्का रखना है ताकि हमारे मसाले जल ना जाएं। ज़ीरे के अलावा हम इसमें 8-10 लौंग ऐड करेंगे, इनको भी हमने साथ ही भून लेना है। इसके अलावा हम 2 से 3 कड़ी पत्ते डालेंगे, इनको आपने हाथ में मरोड़ के छोटा छोटा तोड़ लेना है। इसको हम साथ भूनेंगे। इन सब मसालों को हल्की आँच पर 2 से 3 मिनट तक हमने फ्राई करना है और अच्छी सी जब इनकी खुशबू आने लगे तो उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मसाले हमारे बड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनमें टमाटो प्योरी डालेंगे। 4 से 5 बड़े साइज़ के टमाटर आपने लेके इसको ब्लेंडर मशीन में थोड़ा सा पानी डाल के आपने अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह से मैश हो जाएँ और इनके छिलके और ये अलग से ना फिरें। तो 4 से 5 टमाटर लेकर आपने इनको मोटा मोटा काट के ब्लेंडर मशीन में ब्लेंड कर लेना है और ये टोमेटो प्योरी हम इसमें ऐड करेंगे। और अब हम इसको मसाला पानी खुश्क होते तक पकाएंगे और घी में अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल जो हमने इसमें ऐड किया है उसमें अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। साथ ही हम
एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन एक इंच का टुकड़ा लेके, दो लहसुन के जगह एक इंच अदरक का टुकड़ा, इसको आपने लेके तो अच्छी तरह से कुंडी डंडे में इसका पेस्ट बना लेना है। उसको हमने ऐड किया है ताकि हमारे चावल में, पुलाव में अच्छी सी खुशबू आए। इसके अलावा मैंने एक चम्मच नमक ऐड किया है। नमक आपने बहुत ध्यान से ऐड करना है क्योंकि हमने चने उबालते हुए उसमें भी नमक ऐड किया है। इसके अलावा हम इसमें गोश्त का जायका लाने के लिए चिकन क्यूब ऐड करेंगे और उसमें भी काफ़ी नमक होता है, तो आपने नमक जो है हाथ रोक के डालना है। जब हम इसमें मसाला भूनने के बाद पानी ऐड करेंगे तो तब हम नमक टेस्ट कर लेंगे। तो अब हम साथ ही चिकन क्यूब ऐड कर लेते हैं। अगर आप चिकन क्यूब ऐड ना करना चाहें तो थोड़ी सी चिकन की यखनी भी ऐड कर सकते हैं। मकसद है थोड़ा सा इसमें गोश्त का टेस्ट लाना ताकि हमारा पुलाव बहुत ही मज़ेदार बने। अगर क्यूब डालना चाहें वो भी ठीक है, यखनी डालना चाहें वो भी ठीक है। तो साथ ही हमने ये ऐड कर ली। अब हम इसको पानी खुश्क होने तक पकाएंगे और ऑयल में मसाला जो है अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि सारी चीज़ों का कच्चा पान जो है ख़त्म हो जाए। मसाला हमें पकाते हुए 5 से 7 मिनट हुए हैं और पानी हमारा अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। आप देख रहे हैं पूरे का पूरा कुकिंग ऑयल जो है निकल के आ चुका है। तो इसमें हमने 3 से 4 मिनट इसको बस भूनना है ताकि सारे मसाले का और टमाटर वगैरह जो हमने प्यूरी डाली है उसका कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। इस स्टेज में हम तकरीबन 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर शामिल कर देते हैं। ब्लैक पेपर को भूनने और पकाने की ज़रूरत नहीं है इसलिए हम इसको थोड़ा बाद में ऐड कर रहे हैं। अगर आप रेड चिली पाउडर शामिल करना चाहें तब आप मसाला भूनते हुए उसको साथ ऐड करेंगे ताकि मिर्चों का कच्चापन और गले में लगने वाला जो उसका एलिमेंट होता है वो ख़त्म हो जाए। तो 1/2 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर ऐड कर ली। ब्लैक पेपर आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन 1/2 टीस्पून काफ़ी है। साथ ही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। आपके जितने चावल हों उससे हम डबल से थोड़ा सा कम पानी ऐड करेंगे। पिछले वक्तों में जब चावल पकाए जाते थे तो उसमें डबल पानी ही डाला जाता था। आजकल के चावल जो है ज़्यादा पानी नहीं लेते। अगर आप डबल कर देंगे तो वो ज़्यादा गल के बिल्कुल हलवे की शक्ल में चले जाएंगे। तो हमने डबल से कम पानी डालना है और साथ ही हमने चनों को उबालने के बाद जो उसमें पानी बाकी है वो भी हमने बीच में शामिल करना है। तो उसका भी हिसाब किताब रख के आप पानी डालेंगे। जिस बर्तन से आप पानी डाल रहे हों उस बर्तन से आपने पहले चावल पैमाइश कर लेने हैं और फिर उसी बर्तन से आपने जितने चावल हों उससे डबल से कम पानी ऐड होना चाहिए, तब आपके चावल बहुत अच्छे से पकेंगे। अब साथ ही हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देते हैं। खड़े मसाले भी हमने बीच में ऐड किए हैं, उनकी भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी और साथ ही हम पूरे चावलों में उसका टेस्ट फैलाने के लिए हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर देंगे। तो गरम मसाले में सारे हमारे वही मसाले मौजूद हैं और साथ ही हम चने ऐड कर देते हैं। चनों में मैंने जो इसका उबालने के बाद पानी बचा वो मैंने फेंका नहीं बल्कि साथ ही इसके शामिल कर दिया और अब हम इसको उबाल लेंगे। इस स्टेज पे आपने नमक चेक कर लेना है। नमक पानी में काफ़ी तेज़ होना चाहिए। पानी हमारा बड़े अच्छे से बॉयल हो चुका है। इस स्टेज पे आपने नमक ज़रूर टेस्ट कर लेना है। पानी में आपका नमक जो है बहुत ही करारा और काफ़ी से तेज़ होना चाहिए, तब आपके चावलों में जाके पूरा होगा। अगर आप अभी से पूरा रखेंगे तो चावलों में जाके वो हल्का हो जाएगा और जब उबाल आ जाए पानी में तो साथ ही आपने चावल ऐड कर देने हैं। तो मैं चावल ऐड करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चावल हमने ऐड कर लिए हैं और पानी हमारा उबल रहा है। पानी में ठीक ठाक उबाल आना चाहिए, आपने मीडियम टू हाई फ्लेम रखना है, बहुत लो शुरू में फ्लेम नहीं रखना। तकरीबन 3 से 4 मिनट चावलों में तेज़ उबाल आना चाहिए। पानी का हिसाब करने का एक और तरीका ये है कि आप जितना चावल डालने के बाद आपकी उंगली के एक पोर के बराबर ज़रूर पानी ऊपर होना चाहिए, चावलों से ऊपर होना चाहिए, तब आपके चावल सही जाके पकेंगे। जब चावलों में अच्छी तरह उबाल आ जाए तो तब आपने 4 से 5 मिनट के लिए बर्तन का ढक्कन लगा देना है।
ताकि चावल जो है अच्छी तरह से गल जाएं और दम लगाने की पोजीशन में आ जाएं। 4 से 5 मिनट बाद चावल आप चेक करेंगे और उसके बाद आप दम लगा देंगे। दम लगाने के लिए बर्तन के ऊपर आपने कोई सा भी सूती कपड़ा रख के तो उसके ऊपर आपने ढक्कन लगा देना है। जैसे मुझे आप बर्तन के ऊपर कपड़ा रखे हुए देख रहे हैं, इस तरह आपने डबल या 3-4 तह लगा के तो उसके ऊपर इस तरह ढक्कन रख देना है और फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। बस सिर्फ आपका चूल्हा जल रहा हो, इसके अलावा आपने उसको हाई नहीं करना। और तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसको दम लगाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। इतनी लो फ्लेम आपने रखनी है कि बस उसके बाद आपका चूल्हा बुझ जाए। तो इसको हम 10 से 15 मिनट हम दम पे रखेंगे और उसके बाद खोलते हैं बर्तन को। हमें दम पे लगाए हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और अब हम ढक्कन उठा के देखते हैं और अपने चावल की पुलाव की पोजीशन देखते हैं कि वो कैसा बना है और बना भी है या उसको मज़ीद दम की ज़रूरत है। तो ये देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार पुलाव हमारा तैयार हो चुका है और बिल्कुल एक्यूरेट जिस तरह का इसको होना चाहिए, और चावल हमारे बहुत ही खिले खिले बने हैं। अगर आप बड़ा बर्तन लेंगे तो चावल पकने के बाद इसको आपने पूरे बर्तन को आपने अच्छी तरह से झटक लेना है। झटकने से क्या होगा कि आपके चावल जो एक जगह पे फिक्स हैं वो पूरे के पूरे चावल एक दफ़ा हिल जाएंगे और आपके चावल अच्छी तरह से खिले खिले और अलग दाना दाना हो जाएंगे। तो पुलाव हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं और सर्व करते हैं। पुलाव हम प्लेट में निकाल चुके हैं और आप देख रहे हैं किस कदर खुश रंग और खुश जायका हमारा पुलाव बन के तैयार हुआ है। जो हमने चने का शोरबा बीच में ऐड किया है, उस शोरबे की वजह से पूरे चनों में उसका खूबसूरत सा कलर आ गया है और बहुत ही खाने में ये बहुत ही टेस्टी है और ताकत का बिल्कुल बहुत बड़ा ख़जाना है। बच्चों को, बड़ों को, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। एक दफ़ा आप इस रेसिपी से ज़रूर बना के देखिएगा। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, नन्ना सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके लिए मैं मज़ीद यमी यमी रेसिपीज़ लाती रहूं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट यमी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।